नीमच के झांझरवाड़ा में एक पति पत्नी के पारिवारिक विवाद में पति ने अपनी पत्नी पर कैंची से कई वार कर उसे घायल कर दिया। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि घटना के बाद पति भी तबीयत अचानक खराब हो गई। नीमच जिला मुख्यालय के पास झांझरवाड़ा की रहने वाली एक अधेड़ महिला पर उसके पति ने चरित्र शंका के चलते जानलेवा हमला किया। वहीं इसी बीच आरोपी पति भी बेसुध हो गया, जिसे अस्पताल लाया गया जहां दोनों का इलाज चला। पुलिस के अनुसार बताया गया कि महिला के पति को उस पर शंका थी, जिसे लेकर झगड़ा पहले भी हुआ, लेकिन इस बार महिला पर जानलेवा हमला कर दिया गया। ये तो कपड़ा तो धोया, दोनों बहू फिर उनके कमरे में सोई और मैं भी आगे हाल में सोई थी, ये भी में सोई, एकदम दरवाजा खोला मेरे पति ने तो मेरे को मालूम पड़ा। मैं जानी हुई दुकान पर गया तमाक वमाक लेने के लिए, ये मैं तो मेरे को नींद आ गई। वो तो 5-10 मिनट बाद आ क्या क्या मालूम चक्कू था उसके साथ खींची था, आके मेरे को दमादम मारने लगा। दोपहर में झांझरवाड़ में हमारी पुलिस बल लगी थी, वहाँ किसी व्यक्ति ने आके सूचना दी कि एक घर में झगड़ा हो गया है। जब वहाँ पुलिस पहुँची तो वहाँ पर कुसुमबाई एक नाम की महिला थी, 57 वर्ष की, वो घायल थी। उसकी पुत्रवधू थी टीना, उसकी भी उंगली कटी हुई थी। तो वहाँ पता करते ये पता लगा कि सोहनलाल जो है कुसुमबाई के चरित्र पर शक्का करता था उसका पति, और उसने उसको जो है कैंची से उसकी नाक काट दी और उसके पेट में एक कैंची घुसेड़ दी थी, जिस पे तत्काल पुलिस जो है उनको तीनों को लाके अस्पताल में लाई। अस्पताल में जो है उनको भर्ती कराया गया, उनके मरणासन्न कथन लिए गए। इन पारिवारिक विवाद सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़, नीमच।